और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता श्रावस्ती जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंच गए हैं और ट्रैक्टर लेकर के गेट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, जिलाधिकारी श्रावस्ती से मिलना चाहते हैं, उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली लेकर के पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल किसानों का ये कहना है कि ये लोग 10 ट्रैक्टर लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाएंगे और जिलाधिकारी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जाम लग गया है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट के सामने जाम लग गया है। ये रोड भिंगा से बहराइच को जाती है। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुँचे हैं, सब के सब किसान ट्रैक्टर पर इस वक्त, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर इस वक्त भिंगा में दौड़ रही है। तो श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट के अंदर किसान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि वो 10 ट्रैक्टर लेकर के अंदर जाएंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की मांग रखी है, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगे जो किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जो उनकी फसल का जो MSP है उसकी गारंटी सरकार सुनिश्चित करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सुनिश्चित करें, और दूसरी जानकारी मिली है कि कुछ डीजल इंजन से सुचलित जो ट्रैक्टर हैं उनको सरकार 10 या 15 सालों में हटाने वाली है, तो उसको लेकर के भी किसान यहां पर पहुंचे हैं। अभी हम आपको किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बयान भी सुनाएंगे कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनका कहना है। तो यहाँ पर बात नहीं बन रही है, पुलिस कर्मियों से और अधिकारियों से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई है। किसान अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और कोई अधिकारी अभी तक ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो 10 ट्रैक्टर लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने गेट से प्रवेश होकर के अंदर जाएंगे और जिलाधिकारी को अपनी कुछ सूत्रीय मांग है जो सौंपेंगे, वो ज्ञापन भी उनके हाथ में है। लेकिन प्रशासन ने गेट पर ताला लगा दिया है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ के, वो यहाँ गेट पर आकर के ही किसानों का ज्ञापन लेंगे और किसानों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक तरफ से आप देख सकते हैं ये जो किसान यूनियन की रैली निकली है वो ट्रैक्टर पर निकली है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर इस वक्त, और इस वक्त भिंगा की पुलिस लगी हुई है, कलेक्ट्रेट के अंदर की जो पुलिस है वो भी लगी हुई है। किसान भी मानने को तैयार नहीं है और अधिकारी भी जो है, अधिकारियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा गेट में ताला लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ज्ञापन देने के लिए पैदल ही जा सकते हैं लेकिन ट्रैक्टर लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, जिसको लेकर के वो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों का बिजली बिल माफ़ होगा लेकिन अभी तक बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो उसकी गारंटी लेने के लिए जो है ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, किसानों की मांग है कि सड़कों पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं इस वक्त, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों के खेत जो है चरे जा रहे हैं, उसको लेकर के भी किसान यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पूरे श्रावस्ती ज़िले में सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर से रैली निकाला है और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम सोती हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार जो है किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर के जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट के बीच में, पुलिस कर्मियों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त हम आपको दिखा दें, भिंगा नगर में इस वक्त किसानों का ट्रैक्टर गुजर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली निकाल करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले 15 अगस्त को हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। बहुत सारी मांगे हैं, अभी हम आपको किसान नेता जो हैं विनोद शुक्ला और जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा की, मैं विनोद कुमार शुक्ला, भारत में मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन, आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने जो 10 वर्ष से के डीजल इंजन हमारे हैं, ट्रैक्टर्स हैं,
इनको एनजीटी के दायरे में लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इसको ख़त्म करने की व्यवस्था जो की जा रही है, हमारे जो ऋण हैं उनको माफ़ करने की व्यवस्था, छोटा जानवर से किसान को मुक्ति दिलाने की व्यवस्था, और जो हमारी सबसे मुख्य मांग है वो ये है कि हमारे उत्पादन का उचित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे, किसान के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए, विद्युत का के बिल नियंत्रित किए जाएं, और वहाँ लखीमपुर में जो किसानों के साथ अन्याय हुआ उस पर आज तक किसानों को न्याय नहीं मिला है, उस पर काम किया जाए, अन्यथा की स्थिति में किसान सड़क पर उतरेगा और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ट्रैक्टर डीजल इंजन को जो प्रतिबंधित किया जा रहा है 15 साल बाद कि ये ट्रैक्टर रोड पे नहीं चलेंगे, आरटीओ और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी इन पर। किसानों को घोषणा पत्र में 2022 में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और आज तक किसानों से वसूला जा रहा है, उनको मुफ्त बिजली नहीं दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के MSP का गारंटी कानून बनाने का इन्होंने वादा किया था, मुकदमे वापस लेने का वादा किया था, आज तमाम ऐसे अपने वादों को पूरा न करने के कारण पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार बाज नहीं आई, अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो हम आगे की रणनीति बना करके पुनः दिल्ली और लखनऊ को घेरने का प्लान बनाएंगे। प्रदर्शन अलग बात है, लेकिन आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट जाम के ही है क्या? कलेक्ट्रेट जाम करने का मकसद ये था कि केवल 10 ट्रैक्टर अंदर जा करके डीएम साहिबा को ज्ञापन देना था, लेकिन प्रशासन जिले का इतना बिल्कुल तानाशाह हो गया है कि कलेक्टर किसानों की जमीन पर बना है, आज तक इस जमीन का मुआवजा नहीं किसानों को मिला है। डीएम साहिबा यहाँ बिल्कुल वो अपने अहंकार में डूबी हुई है, किसानों के कलेक्टर से बाहर कर दिया, हमारा ज्ञापन लेने के लिए अंदर जाने नहीं दे रही है, जबकि ज्ञापन तैयार है, जबकि राजनीतिक पार्टी वाले काफिले के काफिले साथ अंदर जाते हैं, जो हमारे वोट से पलते हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन हम जिनको वोट दे करके बनाते हैं, हमारे कलेक्टर हमारे जमीन पर बना हुआ है, आज तक तमाम किसानों का मुआवजा भी नहीं दिया गया, इसलिए आप जाम लगाए? इसीलिए जाम नहीं लगाया, हमारा ज्ञापन ले लें, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन 10 ट्रैक्टर हमारे अंदर जाएंगे। मेरा ट्रैक्टर